उत्तर प्रदेश के अमेठी में महिला दरोगा रश्मि यादव का मामला अभी ठीक से सुलझा भी नहीं कि यूपी के ही कन्नौज से योगी सरकार की सारी नाकामियों को उजागर करते हुए एक और महिला दरोगा से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। यूपी में सत्ता संरचित अपराधियों का दुस्साहस देखिए। कन्नौज में जांच के लिए गई महिला दरोगा और सिपाही पर जानलेवा हमला किया जाता है। हमले में महिला दरोगा सहित सिपाही भी घायल हो जाते हैं। इस बात से साबित होता है कि यूपी की पुलिस और मुख्यमंत्री के लॉ एंड ऑर्डर का हाल दिन प्रतिदिन कितना बद से बदतर होता जा रहा है। केवल विज्ञापनों में ही उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रदेश की कानून व्यवस्था दुरुस्त होने की हुंकार भरते हुए दिखाई देते हैं। जब हकीकत जानेंगे तो आप भी यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर यूपी में ये सब कब तक चलेगा, पूरा मामला क्या है। अब पहले ये मामला भी मैं आपको बता देता हूँ। एक अखबार में छपी रिपोर्ट के अनुसार मामले की जांच करने गई पुलिस टीम पर महिला और उसके करीबियों ने हमला कर दिया। महिला दरोगा और सिपाही घायल हुए हैं। महिला दरोगा ने महिला समेत 20 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। शहर के देविन टोला सराय मीरा में रहने वाली रानी बरवा ने मामूली बात को लेकर पड़ोसी तरनूम को पीट दिया था। तरनूम ने सदर कोतावली की महिला हेल्प डेस्क में रानी की शिकायत दर्ज कराई थी। सोमवार रात करीब 9 बजे महिला हेल्प डेस्क प्रभारी SI हेमलता पुलिस टीम के साथ रानी के घर पहुंची। इस पर वह गाली गलौज करने लगी। विरोध करने पर रानी और करीबियों ने लाठी डंडे से पुलिस टीम को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दो सिपाहियों ने इधर उधर मकानों में छिपकर जान बचाई। हमले में SI हेमलता और सिपाही नरेश घायल हो गए। जानकारी मिलते ही कोतवाली प्रभारी आलोक कुमार दुबे पुलिस बल के साथ पहुंचे तो रानी और हमलावर भाग गए। महिला दरोगा और सिपाही को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हेमलता की तहरीर पर रानी समेत 20 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। SP प्रशांत वर्मा ने बताया कि आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। IG और ADG ने भी मामले की जानकारी ली है। पिटती रही पुलिस और मूक दर्शक बने भाजपा नेता। आपको बता दें, पुलिस टीम पर हमले के दौरान स्थानीय कुछ भाजपा नेता पहुंच गए, लेकिन उन्होंने हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा। एक भाजपा नेता आरोपी महिला का करीबी भी बताया जा रहा है। साथियों, आपको क्या लगता है, प्रदेश में घट रही इन तमाम घटनाओं के पीछे किसका हाथ है? इन तमाम घटनाओं के पीछे किसका संरक्षण है? अपराधियों के हौसले इतने बुलंद होने के असली कारण क्या हैं? क्या वाकई में इसी को अच्छी कानून व्यवस्था कहते हैं, जिसका दावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित आवाज, दिल्ली।